बलकावा, क्योंकि आज का भाई लोग है, आदमी है, सब सब बना के और पैसा उठाकर अफ्तार प्रोग्राम कर रहे हैं। तो फिलहाल बहुत गंदा हो गया था भाई, अभी देखिए इसका लुक। ये कितना टाइम? 5 मिनट के बाद मोबाइल रखो, होमवर्क बनाओ। समझ पहुंच गया और देख सकते हैं यहाँ पर चावल धुला रहा है और भाई सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अफ्तार। तो चावल है, याराना चावल है, 7 किलो चिकन है, बिरयानी बन चुका है और यहाँ पर पैकिंग भी स्टार्ट हो चुका है। तो 6 पीस ये पैकेट पैक होगा, अभी फिलहाल 3 पीस पैक हुआ है। और खुश ना, सब खुश ना, सब खा ला, हमको पहचाने ना, पहचान गया आज फिर से ब्लॉग बना रहा हूँ और आज फ्राइडे। आप लोग ब्लॉग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे, तो ऐसे ही रिस्पॉन्स दीजिए। और आज फ्राइडे तो हम लोग जा रहे हैं बलकावा, क्योंकि आज जो जितना बलकावा का भाई लोग है ऑलमोस्ट नया है, सब सब ग्रुप बना के और पैसा उठाकर अफ्तार प्रोग्राम कर रहे हैं। तो फिलहाल हमको बुलाया है, इन्वाइट किया है हमको, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर। एंड वो सब बिरयानी बनाकर और फ्रूटी एंड फ्रूट्स खजूर सब सब कुछ मिलाकर और उसके बाद सब अफ्तार को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर जहाँ पर हम मान के सेलिब्रेट किए थे वहीं पर जाकर सारी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिलहाल अभी उतना मुझे पता नहीं है, तो रात में ही बात हुआ था कि भाई आप आइए, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं। और यहाँ पर गोप्रो भी चार्ज में लगाए हुए हैं, इधर रहा गोप्रो, तो फिलहाल गोप्रो चार्ज होता है। अभी नमाज पढ़ कर आए, जुमा का नमाज पढ़ कर आए और उसके बाद अभी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही बिरयानी बनाना स्टार्ट होगा। शायद 5 kg राइस है एंड 6+ kg चिकन है, तो बिरयानी बनेगा। और उनसे पहले जाकर हम परमिशन लिए, तो फिर परमिशन लेकर उसके बाद हम जितना सामान वामान खरीदे उसके बाद वो लोग को सामान दिए एंड वहाँ पर सेलिब्रेशन किए। तो इसलिए हम भाई लोग को रात में ही बोल देते, भाई तू सब सुबह में उठ कर एंड पहले जाना, वो सबसे परमिशन लेना, क्या बोलते, अगर वो सब हाँ बोलते तभी वहाँ पर जाकर सामान देना एंड करना कुछ, क्योंकि सबका घर घर है, किसी के घर में जाकर ऐसे मतलब सामान देना और जाना सीधा बिना अलाउड अच्छा बात नहीं है। तो फिलहाल अभी वो लोग सुबह गया था, पूछ लिया था, वो लोग बोले घर में बोले ठीक है तुम सब जो करना है करो। तो फिलहाल आज हम बोल दिए थे रात में कि वो लोग को जाकर बोल देना कि आज का खाना नहीं बनाने एंड तुम लोग ये बिरयानी जो बना रहा है वो लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, क्योंकि वो लोग को बेचारा लोग बहुत होमलेस पीपुल है, आप लोग को जाकर हम रास्ता में दिखा देंगे। और अभी रोड बन रहा है, तो रोड बनने के कारण और उसका घर पूरा तबाह तबाह हो चुका है। तो फिलहाल अभी जल्दी जल्दी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप रेडी करते हैं। गाइस आप लग रहा है भाई पूरा वाश, बाप रे बाप, ये 2-3 दिन से पानी जो पड़ रहा था घर में, इधर हम लोग इधर बहुत पानी पड़ रहा था, शायद पूरा नेपाल में ही पानी पड़ रहा था। तो फिलहाल बहुत गंदा हो गया था भाई, अभी देख लीजिए इसका लुक, क्या बवाल लग रहा है, चमक रहा है, पूरा पूरा वाश कर दिए इसको। और ये भी बाइक इसका, इसका भी वाश कर देते हैं। ओहो पानी पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ गंदा रहता है, लाइन कट गया शायद, ये देख सकते भाई पूरा वाश हो गया। फटाफट आप निकलते हैं, टाइम हो चुका है, और ये फेस मास्क लगाते हैं एंड जैकेट लगाते हैं और हेलमेट में गोप्रो सेटअप करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ पर से। देख सकते हैं इसका क्या देखिए है? कितना टाइम देखिए, कितना टाइम 5 मिनट के बाद मोबाइल रखो, होमवर्क बनाओ, समझी, 5 मिनट सिर्फ, 5 मिनट के बाद होमवर्क बनाना। हेलमेट, ये गोप्रो, देखते कितना परसेंट चार्ज हुआ है गोप्रो में, कितना चार्ज हुआ है, 98 हो गया हुआ। तो इसको फटाफट निकालते हैं, गोप्रो हेलमेट सेटअप करते हैं। फाइनली गाइस नीचे आ चुका हूँ और गाड़ी देख सकते हैं, बाइक पूरा वॉश किए और क्या चमक रहा है बाइक पर देखने में, जितना हो सका उतना मैं वॉश कर दिया। तो फिलहाल यहाँ पर से अभी गोल हो जाता हूँ और बाइक को कोल स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी वॉश किया ना बाइक, पूरा ठंडा हो गया होगा इंजन, पूरा साफ किया पानी अंदर रख रख कर, तो इसको पहले थोड़ा स्टार्ट करके छोड़ देता हूँ थोड़ा देर, क्योंकि कोई भी बाइक हो, नॉर्मल बाइक हो, कोई भी बाइक हो, थोड़ा देर अपना स्टार्ट करके आप रख दीजिए। फिलहाल जितना हुआ उतना साफ़ कर दिए, पर ये अंदर का अभी तक गंदा थोड़ा थोड़ा लग ही रहा है, इसको भी थोड़ा साफ़ कर देंगे कभी। तो अभी कोल स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद निकलते हैं यहाँ पर से। भाई लोग का फ़ोन आ गया, भाई लोग बोलो यार मैं आ चुका है, और सब हम बोले जब तक तुम लोग चावल उवल ले, मसाला वसाला ले, हम तब पहुँचते हैं। तो जा रहे हैं आप, उसके बाद जाकर दिखाते हैं आप लोग को क्या क्या आज का अफ्तार में। तो गाइस बाइक 5 मिनट रुक गए, 5 मिनट में कॉल स्टार्ट हो गया गाड़ी बाइक, एंड अभी यहाँ पर से निकलते हैं। यहाँ पर पूरा पानी अभी तक अंदर से चू ही रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर पानी चू रहा है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बाहर में कितना पानी चू रहा है इसमें से, शीशा में से, क्योंकि पूरा साफ किया आज, देख सकते हैं वो भी बाइक भी साफ कर दिया, पूरा मोटर ऑन करके पाइप लगा कर पूरा साफ कर दिया बाइक, एंड वो बाइक भी साइड में था उसको भी साफ कर दिया भैया का ही बाइक एक। तो फिलहाल यहाँ पर से निकलते हैं और रोड पर जाकर मिलते हैं, फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल भराना पड़ेगा। और देख सकते हैं यहाँ पर न्यू स्कूटी, इस पर भी एक दिन ब्लॉग बनाएंगे, साइड में भैया वो भैया लिए स्कूटी न्यू, तो कभी इस पर भी ब्लॉग बनाएंगे। तो फिलहाल अभी चलते गोलोजा, फाइनली रोड पर पहुँच गए और उधर से नहीं जाएंगे उधर, तो देख सकते हैं कितना पानी पटाया हुआ है, पानी तो फिलहाल पटाया हुआ है और 2-3 दिन से लगातार पानी पड़ रहा था इधर, तो इसलिए पूरा कादो है, उधर से नहीं जाएंगे। बाइक अभी जस्ट वॉश किए घर में, पूरा गंदा हो जाएगा, इसलिए स्लो ही जाएंगे, पर इधर से ही जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर पूरा कीचड़ पड़ जाएगा रोड पे। तो फिलहाल यहाँ पर 0 मिल जाएगा, पेट्रोल पंप में फ्यूल भरवाएंगे, उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे गोल बाजार। फोन पे फोन आ रहा है और कोई रोड गाड़ी तो नहीं आ रहा ना,
कादो भी नहीं जाएंगे यार, नहीं तो बाइक पूरा गंदा हो जाएगा। इतना मेहनत से वॉश किए, सब गंदा हो जाएगा। रोड बन जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो दिन कौन दो दिन पहले ये एरिया में कम से कम 3 बस पलटा, एक बस नाइट बस पलटा गोलजर से पीछे, एंड दो एक बस चौहड़वा में पलटा स्कूल बस, और एक बस पलटा आप लोग को खोड़िया में। सब दो स्कूल बस पलटा एंड एक नाइट बस पलटा, क्योंकि अभी पूरा मट्टी है ना, ये पानी पड़ रहा है, पूरा स्लिप कर रहा है रोड पे गाड़ी सब, इसलिए पूरा बस सब पलट रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर से निकलते हैं, पूरा कादो पहुँचाएगा, बड़ा बड़ा गाड़ी आएगा तो पूरा कादो पड़ा देगा। और बाप रे बाप, रोजा रखे हुए, हेलमेट का भाइजर लगाए हुए हैं, बोल रहे हैं हेलमेट का भाइजर लगाकर जो बोल रहे हैं, पूरा घुमुस फील हो रहा है अंदर में। ओहो, सांस फूलने लगा पर हेलमेट में बोलने के लिए। रोजा रखकर ब्लॉग बनाने बहुत मुश्किल होता है, पर पहले बाइक को फिलअप कराना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल जरा सा भी नहीं है बाइक में। कल शाम को भी गोलेदार गए था तो इमरजेंसी में जाना पड़ा, पेट्रोल नहीं भरा पाया। तो फिलहाल अभी अगर पेट्रोल भरवा लेते उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो कभी भी बंद हो सकता है बाइक। यहाँ पर बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं, कितना रुपये लीटर इधर, अभी नेपाल में 170 रुपये लीटर है। तो फाइनली गए, पेट्रोल भरवा लिया, और मेरे पास जितना अभी फिलहाल उतना ज़्यादा कैश नहीं था, क्योंकि सब फ़ोन में पैसा इधर फ़ोन पे नहीं होता है। तो जितना कैश था उतना का पेट्रोल भरवा लिए, इतना पेट्रोल भर गया गाड़ी में कि हम गोलघर तक आराम से जा सकते हैं। उसके बाद गोलघर में जाकर बैंक में जब पैसा निकाल कर उसके बाद फिर से पेट्रोल भरवा लेंगे, क्योंकि आज बलकावा भी जाना है, बलकावा से फिर गोलघर आना है वो अफ्तार देने बिरयानी। और आज हुआ तो बलकावा में ही रहेंगे, और बलकावा में तराई पड़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत दिनों बाद आज तराई पड़ेंगे। वो दिन गए थे पर अफ्तार करके आ गए, कुछ काम था घर में इसलिए आ गए वापस रात में, हफ्ता वहाँ तरावी नहीं पड़ पाए बलकावा में। तो आज फिलहाल 11th रोजा है, और 10 रोजा तो ऐसे ही बीत गया, अब आज 11 रोजा है, और आज 11 रोजा हम तरावी पढ़ेंगे बलकावा में। और जो भाई लोग अवतार प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अल्लाह उसका मतलब अवतार अल्लाह ताला कबूल करे, एंड जो जो कर रहे हैं सोच रहे हैं वो सफल हो जाए। और आप लोग भी इस भाई लोग को अच्छे से कमेंट कर विश कर दीजिए, खुश कर दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं मिलकर शायद अवतार प्रोग्राम कर रहा है, और अच्छा पैसा उसका उठाया, सब बेचारा सब किसी से पैसा नहीं मांगा, खुद पैसा उठाया, एंड 5 kg राइस लिया है, एंड 6 kg प्लस चिकन लिया है, और फ्रूटी एंड फ्रूट्स खजूर पानी सब लिया है। अच्छा लगा हमको सुनकर, और भाई लोग हमको एक भाई हमको बुलाया था, तो फिलहाल जा रहे हैं और गोलघर जाकर उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। चिकन उकन अभी गोलघर में था तो फ़ोन किया था हमको, तो हम बोले थे जब तक तू ले हम आ रहे हैं। वहाँ थोड़ा लेट हो जाता है, नमाज वमाज पढ़ना पड़ता है, नहाना वहाना पड़ता है, तो फिलहाल नहा हुआ कर नमाज वमाज पढ़कर उसके बाद निकले। अभी 3:25 हो रहा है, मौसम भी देख सकते हैं बहुत बवाल मौसम है। अभी 3-4 दिन से पानी पड़ रहा था, और आज फिलहाल पानी नहीं पड़ रहा है, और मौसम भी आज ठीक है, धूप उप नहीं निकला हुआ है, आराम से आप लोग कहीं भी रोज़ा ज़्यादा नहीं लग रहा है। पर हेलमेट के अंदर जो बोल रहे हैं तो पूरा घुमुस फील हो रहा है, सांस लेने नहीं हो रहा है, प्यास ही बहुत लग रहा है, तो फिलहाल कम ही बोलते हैं। अच्छा, चेस्ट पेन करने लगा यार, अबे क्या हो रहा है, शादी हो रहा है क्या, चेस्ट पेन करने लगा बोलते बोलते। तो आप फिलहाल गोलघर जाकर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देख सकते हैं इधर से कोई नहीं जा रहा है, ये रोड से कोई नहीं जा रहा है, सब सूखा रोड से जा रहा है, क्योंकि इधर पता है इतना कीचड़ पड़ता है ना, बाइक आदमी का गंदा हो जाता है। तो देख सकते हैं मैं भी इधर से जा रहा हूँ, ये भी भाई भैया ये भी अंकल बाइक घुमा रहे, इधर से जा रहे हैं, देख सकते इधर भी कितना बाइक सब आ रहा है। और देखिए सब इधर से जा रहा है फिलहाल, क्योंकि इधर देख सकते हैं पानी ऑलरेडी पूरा रोड भीजा हुआ है, ऊपर से और पानी पड़ा रहा है, और कीचड़ रोड पूरा। फिलहाल इधर से ही जाते हैं, थोड़ा धूल ही पड़ जाएगा कोई बात नहीं, पर कीचड़ बहुत पड़ जाता है, पूरा कपड़ा खराब हो जाता है, धूल पड़ जाएगा, झाड़ लेंगे साफ हो जाएगा, पर कीचड़ साफ नहीं होता रहता है। देख सकते हैं यही जो घर है गाछी के साइड नीचे में, इसी में आज हम लोग अफ्तार देंगे। फिलहाल यहाँ पर रोड बन रहा है, इसलिए ये लोग को और प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि पहले तो रोड नहीं बन रहा था, रोड उधर तक ही था, तो उतना फिलहाल प्रॉब्लम नहीं होता था, पर अभी बहुत प्रॉब्लम होता है, धूल उल पड़ता है, रोड के साइड में ही पड़ गई है लोग, और वो जो घर था उसी में हम लोग इफ्तार देंगे आज। तो आप थोड़ी देर बाद हम लोग गोलघर पहुँच ही जाएंगे, और जो जहाँ पट्टी पर लगा हुआ है ना वहीं पर वो दिन नाइट बस पलटा हुआ था, आपको पास से जाकर दिखाते हैं, पूरी तरीके से नाइट बस पलटा हुआ था, और दो दिन पहले का बात है शायद, ये दो दिन पहले की एक दिन पहले का बात है, नहीं शायद यहाँ कल ही का बात है, थर्सडे का बात है, यहाँ पर यहीं पर पलटा था बस। ये टीपर का देखिए तो पीछे से क्या है, भी लग रहा है देखने में, बाप रे क्या डेंजर लग रहा है देखने में, देख टीपर साइड से ही चलो, नहीं तो अगर देखिए ए बाप रे वहाँ भी कीचड़ पड़ता, बड़ा बड़ा गाड़ी सब साइड से निकलता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है यार गाइस। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जस्ट यहीं पर पलटा हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं ना यहीं पर पलटा हुआ था बस, नाइट बस गाइस यहीं पलटा हुआ था,
यहाँ पर देख सकते हैं चक्का अंदर धंसा हुआ है। देखिए बोल रहे थे ना रोड खराब होने की वजह से कितना आदमी को प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर भी गाड़ी में कुछ खराबी आ गया, इतना जर्की ना रोड पे ना। देखिए यहाँ पर इसको भी कुछ हो गया गाड़ी में शायद। फाइनली गाइस गोलर पहुँच गए और फिलहाल यहाँ पर से निकलते हैं। ठीक है गाइस पहुँच गए हम लोग भट्टा, देख सकते हैं लड़का लोग वहाँ पर खड़ा हुआ है और ये रहा भट्टा एंड यहीं पर हम लोग खाना ना पकाएंगे बिरयानी और उसके बाद निकल जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर बाइक लगवाते हैं, यहाँ पर लगाते बाइक। यहाँ पहुँच गए और देख सकते हैं यहाँ पर चावल धुला रहा है और पता नहीं है, और ये भाई सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अफ्तार। तो ये लोग से पूछते हैं क्या क्या है, क्या क्या बता। चावल है यार आना, चावल है 6 किलो और 7 किलो चिकन है और फ्रूटी है, पानी है और अफ्तार का फ्रूट सब भी है, खजूर है वगैरह वगैरह सब कुछ है। क्या ये चावल क्या बनेगा आज? बिरयानी बनेगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बिरयानी बन रहा है, अभी चावल धुला रहा है, उसके बाद चावल धुला कर गोश्त धुला गया, गोश्त बन रहा है अभी और अभी चावल धुला रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आराम से भट्टा में यहाँ पर बना रहे हैं और मौसम भी देख सकते हैं आप लोग पूरा पानी पड़ने जैसा मौसम हो चुका है। फिलहाल पानी ना पड़े वरना सब ये लोग का बेचारा लोग का प्रोग्राम आज बेकार हो जाएगा। तो मौसम भी देख सकते हैं इधर पूरा साफ है, इधर पूरा बादल लगा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर आप सिनेमेटिक चेक करिए आप लोग। यहाँ पर चिकन बन चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं ये चिकन और यहाँ पर मटर छिल रहे हैं, ये बिरयानी में रखेंगे और इधर चावल बन रहा है, इधर पानी गर्म हो रहा है वो रहा चावल। तो फिलहाल ये सब बनता है, उसके बाद 5:10 हो चुका है और आज अफ्तार 6:15 में। तो फिलहाल जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट, लेकर भी जाना पड़ेगा, पैक भी करना पड़ेगा, कार्टून भी लेकर आ गए और अभी फिलहाल बन रहा है, उसके बाद पैकिंग करते हैं। उसके बाद सब सिनेमेटिक आपको वीडियो दिखाते हैं। ये रहा मटर, तो लेकर जाते हैं उसके बाद रखते हैं उसमें। ये रहा मटर बॉय, टाइम भी बहुत हो चुका है और मौसम भी फिलहाल ठीक है और पानी पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, पर मौसम अभी ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं आप लोग मौसम, तो वहाँ पर भात चावल अभी चढ़ा हुआ है, अभी बन रहा है फिलहाल। जब तक हम लोग यहाँ पर नाश्ता पैक कर रहे हैं और देख सकते हैं एक नाश्ता में कुछ एप्पल है एंड खजूर एंड ऑरेंज एंड अंगूर। गाइस राइस बन चुका है और चिकन ही बन चुका है, तो फिलहाल अभी इसमें लेयर चढ़ रहा है, देख सकते हैं ऊपर बिरयानी में ऐसे ही होता है। और यहाँ पर आप लोग को भी दिखा देते हैं बिरयानी कैसे बन रहा है। पर चाहिए तो आप इनबॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, आप लोग को एकदम बवाल खाना बना कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सब देख सकते हैं यहाँ पर चावल और ये चिकन और यहाँ पर पूरा लेयर हो रहा है और उधर फ्रूट से पैक हो रहा है और ऑटो भी आ चुका है, ऑटो में हम लोग फिलहाल लेकर जाएंगे। ये लोग का बजट थोड़ा टाइट है, ऑटो भी मंगाए और ये रहा राइस चिकन सब लेयर चढ़ रहा है, उसके बाद फिलहाल सब कुछ पैक करते हैं उसके बाद निकलते हैं। बिरयानी बन चुका है और यहाँ पर पैकिंग भी स्टार्ट हो चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ पैकिंग हो रहा है। और ये कार्टून इसमें कितना 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 पीस कितना पीस तो 101 से पीस ये पैकेट पैक होगा। अभी फिलहाल 3 पीस पैक हुआ है और इधर ही पैक हो रहा है, तो सब पैक करके ऑटो वहाँ पर लगा हुआ है, तो सब पैक करके उसके बाद फटाफट यहाँ पर से निकलते हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है। बिरयानी पैक हो रहा है और ये देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा पूरा फ्रूटी, ये सब बिरयानी फ्रूटी एंड वोरा फ्रूट्स और मिनरल वाटर सब अभी यहाँ पर पैक हो रहा है, उसके बाद सब ले जाकर और ये भाई बांटेंगे। पैक हो चुका है और अभी ये जाकर ऑटो में रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर से निकलते हैं, टाइम भी 6 बज चुका है, टाइम हो गया ये मेरा भाई है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर से हेलमेट लेते हैं, अंदर वहाँ पे हेलमेट रखा हुआ है, हेलमेट लेते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ पर से। ये रहा हेलमेट और बैग भी रखते हैं और आज फाइनली आज बलकावा जाएंगे, बलकावा में आज तराई पड़ेंगे, फिलहाल निकलते हैं यहाँ पर से। बिरयानी यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि भट्टा में हम लोग बनाए, तो भट्टा के लोग भी और फ्रूट्स भी सब कुछ छोड़ दिए, भट्टा के लोग को भी सब मुसलमान है ना खिलाना चाहिए, तो फिलहाल चलते हैं यहाँ पर से। सब लड़का लोग निकल रहे हैं, फाइनली गाइस हम लोग निकल गए और देख सकते हैं सामने ऑटो जा रहा है, ऑटो में सब कुछ पैक करके रख दिए क्योंकि बाइक पे ले जा नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो मंगवाए और ऑटो में हम लोग एक कार्टून में शायद 30 से 35 पीस बिरयानी है और फ्रूट्स है एंड फ्रूटी और पानी सब लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद सब अभी जाकर वहाँ पर हम लोग जितना लोग सब वहाँ पर जाकर दे देंगे एंड सब वहीं पर इफ्तार करेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं यहाँ पर से। तो ये रहा पूरा इसलिए सब पैक रहा सब कुछ, तो फिलहाल यहाँ पर से निकलते हैं। ओहो मौसम भी बहुत मस्त है और सब कुछ अफ्तार उफ्तार करके हम लोग को बलकावा भी जाना पड़ेगा क्योंकि आज बलकावा में एक कार फंसा लिया रे, जल्दी निकल निकल। फाइनली गाइस हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं और सब लड़का लोग पीछे आ रहा है, देख सकते हैं अपने मिरर में सब पीछे आ रहा है, ऑटो भी पीछे है। तो फिलहाल अभी टाइम भी हो चुका है 6:03 हो गया यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग और आज 6:15 में है अफ्तार। तो फिलहाल जल्दी जल्दी जाते हैं, बिरयानी बनाने में ही लेट हो गया और जुमा भी था ना, इसलिए जुमा का नमाज वमाज पढ़ने में सबको लेट हो गया, तो कोई बात नहीं अभी टाइम भी है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच जाएंगे टाइम पर। तो
आई होप अफ्तार हम लोग का ना छूटे। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर और इधर से ही टर्न लेते हैं क्योंकि उधर से रास्ता नहीं है। पूरा हाईवे बन रहा है ना, तो उसका घर नीचे हो गया बेचारा का और हाईवे ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर फिलहाल लगाते हैं बाइक सब अपना अपना सब बाइक। यहाँ पर ही हम लोग वन के सेलिब्रेशन किए थे तो फिर से हम लोग यहाँ पर आए बाइक लगाते हैं। यहाँ पर आंटी लोग बैठी यहाँ पर बाइक लगाते सब। कल लोग आ रहा है पीछे वो देख सकते हैं आप लोग, टाइम भी हो चुका है, सब आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। सब खुश हो गया यार, पर जल्दी आ जल्दी आ। खुश ऑलरेडी सब। रोजा का टाइम हो चुका है तो फिलहाल हम रोजा खोलते हैं। रोजा खोल ले, दुआ पढ़ा दुआ। अन्ना रे बिस्मिल्लाह मान रहे हैं, बिस्मिल्लाह मान रहे हैं, अल्लाह मैं इन्नी सुन तो अभी का मन तो मैंने का तवक्कल तो वाला रिस्क की काफ्तर को वाली का ले रुको को बोलो ना बताई ना रे ले को बातें को देना खा लीजिए। बिस्मिल्लाह मान रहे हैं समीर बाबू का मुस्कान खुश है। आहा हवा समीर बना था तो गैस फिलहाल खाते हैं, उसके बाद खाकर उसके बाद मिलते हैं आपसे। और सबको दे दिए फिलहाल, सबको सबको पैकेट फूट गया है ना, इसमें और भी है जितना बचा लास्ट में सब दे दिया इसको। हाँ खा लिए और जितना भी खा लिए और उसके बाद जो बचा है ये सब निकाल लिए और इसमें सब कुछ रख देते हैं। यहाँ पर वेस्ट फेंकेंगे नहीं क्योंकि सबका घर सब घर है ना, खाकर से फेंकना जरूर अच्छा बात नहीं है। तो चलो अच्छा से खा लिया ठीक है ये ठीक है अंकल। भैया अंकल तू आ जा अपने घर में जा, ले जा खा ला राम जी। खुश खुश ना सब, खुश ना सब खा ला। हाँ ना ना हम सब खा ला लिया। आप जो घर अब फिर आप 10-15 दिन में हमको पहचाने ना, पहचाने हमको ठीक है। लो होते ना बाय बाय बाय। तो फाइनली गाइस हम लोग सब कुछ दे दिए यहाँ पर है ना, बहुत सब लोग खुश हो गया और अफ्तार भी हम लोग कर लिए। और यहाँ पर आप सब जा चुके देख सकते हैं सब बाइक लोग और यहाँ पर सिर्फ दो बाइक बचा हुआ है। तो फिलहाल हेलमेट लगाते हैं उसके बाद मोटर लोडिंग सेंटर मिलते हैं आपसे। ठीक है यहाँ पर से निकलते हैं हम लोग, सब कुछ दे दिए और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पैक हो गया। होते होते ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, सब जात से सब जात सेम है ठीक है। सब जात सेम लो है ना। तो गाइस यहाँ पर से निकलते हैं हम लोग और लड़का लोग तो जा चुका है, अब सीधा जाकर बलकावा में रहेंगे आज। खुश हो गया एकदम, आप ये लोग का स्माइल ही तो चाहिए और क्या चाहिए, ये लोग खुश हम लोग खुश। लो इतना ये लोग बोल रहे थे कि भाई बैठ के खड़ो बैठे करो, कोई बात नहीं आप लोग खड़े होकर खा रहे हैं, हम लोग वैसे बैठे खाए ना। तो चलो सब कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ये हम लोग का अफ्तार प्रोग्राम ये भाई लोग का सबका कबूल कबूल अता फरमाए। तो गाइस फाइनली पहुंच गए आज का, अभी रोड थोड़ा अच्छा बना दिया यार, नहीं तो वो दिन तो हिल पार्क बना दिया था, अभी फिलहाल मिट्टी रखकर मिला दिया, अच्छा किया। ये रहा अपना होम स्वीट होम, फाइनली पहुँच गए घर। गाइस नमाज पढ़ ली तरावी और घर में खाना खा लिया बिरयानी मस्त, और अभी आमिर के घर जा रहे हैं क्योंकि वो घर में अकेला पड़ गया, रमीज भी नहीं है इसलिए आमिर के घर में जाएंगे और उसके बाद सोएंगे। और तराई पड़ गया बहुत मज़ा आ गया, तो फिलहाल जाते हैं अभी आमिर का घर भी आ चुका है। ये रहा ये वाला ओपन द डोर, ओ भाई। तो गाइस फाइनली पहुंच गए केवल, हाय बोल दे अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम रमजान करीम, रमजान मुबारक। फाइनली गाइस आमिर घर पहुंच गए और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। और देख सकते हैं यहाँ पर आमिर का कौन बेल्ट है, एलो बेल्ट, ये भी टेकेंडो सीखता था पहले, अभी फिलहाल मोटा गया इसलिए। और इसका रूम देखिए
बाप रे टैलेंटेड बच्चा है, पूरा सर्टिफिकेट सब यहाँ लटका हुआ है, इधर सील है। और अभी ब्लॉग इन करते हैं, ले तू ब्लॉग इन कर देता आज, बाय बोल दे, अल्लाह हाफिज़, बहुत हरामी बच्चा है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ गाइस।